वैसे तो लोकसभा चुनाव अपने अंतिम पड़ाव पर है, लेकिन सियासी गलियारों में अभी चुनावी शोर पहले जैसा ही बरकरार है। ऐसे में कुंडा से विधायक और जनसत्ता दल लोकतांत्रिक के नेता राजा भैया की दो तस्वीरों ने नई चर्चाओं को जन्म दे दिया है। राजा भैया ने बुधवार को भारतीय जनता पार्टी के सांसद और झारखंड स्थित गोड्डा से प्रत्याशी निशिकांत दुबे से मुलाकात की। इस मुलाकात के बाद एक प्रेस वार्ता में उन्होंने बताया कि समर्थकों से बीजेपी के पक्ष में प्रचार करने और मतदान की अपील की गई है। तो विकास करने की जो ललक आज हमारे यहाँ तक चर्चा है कि एक कर्मठ विकासशील सांसद के रूप में, चाहे वो हवाई अड्डा हो, चाहे एम्स हो, चाहे गोड्डा में रेलवे स्टेशन हो, अनेक ऐसे काम किए जो यादगार हैं। बल्कि एक अधिकारी हमारे यहाँ पोस्टेड है, उनके बैचमेट यहाँ पे हैं, तो वो कह रहे थे कि वो तो विकास पुरुष है, और वैसे 10 सांसद अगर भारत में हो जाए तो भारत का नक्शा बदल जाए। तो बाहर एक कर्मठ सांसद, एक विकासशील सांसद के रूप में, और इतना ही नहीं, संबंधों का निर्वहन करने वाले। वहीं यूपी में तस्वीर कुछ अलग है। यहां राजा भैया ने न सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की मदद करने से इनकार कर दिया, बल्कि उनके सहयोगियों को भी नहीं बख्शा। यूपी के मिर्जापुर लोकसभा सीट पर उनकी पार्टी और समर्थकों ने समाजवादी पार्टी को समर्थन करने का पत्र भी सौंप दिया। इस सीट पर एनडीए की सहयोगी अपना दल सोनेलाल की नेता अनुप्रिया पटेल उम्मीदवार हैं। अनुप्रिया और राजा भैया के बीच सियासी बदकही तब शुरू हो गई जब प्रतापगढ़ स्थित कौशाम्बी लोकसभा सीट पर उन्होंने बीजेपी को समर्थन से मना कर दिया। इसके बाद अनुप्रिया ने मंच से राजा भैया के खिलाफ बयान दिया था। माना जा रहा है कि यूपी में कौशाम्बी, प्रतापगढ़ और इलाहाबाद, ये वो तीन लोकसभा सीटें हैं जहां भैया का दखल है। इन सीटों पर उनके समर्थक काफी हैं और वो चुनाव की धारा को मोड़ सकते हैं। उधर मिर्जापुर में भी करीब 1 लाख ठाकुर और 2 लाख के करीब ब्राह्मण मतदाता हैं। ऐसे में वहां भी राजा भैया अनुप्रिया की स्थिति बिगाड़ने में सक्षम माने जा रहे हैं। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि राजा भैया अपनी कोशिशों में कितना सफल होंगे। मिर्जापुर में 1 जून को मतदान होना है और 4 जून को परिणाम आएंगे। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।